हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टीयरिंग कंट्रोल्स। स्टीयरिंग कंट्रोल्स का मतलब मेरे यहाँ पर जो ये स्टीयरिंग के साथ में दो स्टिक्स होती है, इनका कंट्रोल है। मेरी गाड़ी VXI है, वैगनार, तो इसमें स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल्स नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ इन जो दो स्टिक्स हैं कंट्रोल, इनके बारे में बताऊँगा कि इनसे क्या फंक्शन होता है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम फटाफट शुरू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको। सिंपल है, कुछ नहीं है, ये आप देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा अभी मेरा ऑफ में इस तरह से कर दूंगा तो आगे पायलट लैंप्स होते हैं छोटे छोटे हेडलाइट के ऊपर, वो ऑन हो जाते हैं, इससे बंद हो गए। अब मैं इसको पूरा कर दूंगा तो मेरी हेडलाइट ऑन हो गई है, जो फ्रंट लाइट है वो ऑन हो गई, और साथ में जो ब्रेक के पीछे जो रेड लाइट होती है वो भी ऑन हो जाती है। और आप देखेंगे अगर मैं इस तरह से इसको करता हूँ तो ये पास लाइट होती है, देखिए नीचे एक आ गया है। ये पास लाइट मतलब जो हाई बीम होती है वो थोड़ी जब तक आप दबा के रखेंगे ऑन हो जाएगी, इससे आप पास दे सकते हैं। और इसको अगर मैं नीचे कर देता हूँ तो देखिए परमानेंटली हाई बीम ऑन हो गई है। हाई बीम जनरली हम डबल लेन हाईवेज होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी सिंगल रोड पे आपको यूज़ इसे नहीं करना है, या ज़्यादा अंधेरा है या ट्रैफिक थोड़ा कम है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, उसी केस में आप इसको यूज़ करेंगे। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ और मैं हेडलाइट भी अपनी भी बंद कर देता हूँ। इससे सिर्फ ये फंक्शन होते हैं। अब इसको अगर आप डाउन करेंगे तो आप देखिए इंडिकेटर जल गए हैं राइट। अगर आपको लेना है तो इंडिकेटर जलाएंगे करीब करीब 100 मीटर पहले आपको जलाना होता है। और इसको ऐसे अप करेंगे तो मतलब आपको लेफ़्ट लेना है, इससे ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं होते, ठीक है। अब हम अगर आपको सारे इंडिकेटर्स जलाने हैं तो आप इस चीज़ को यूज़ करोगे, 6 के 6 इंडिकेटर्स हैं, राइट लेफ्ट आगे पीछे और साइड वाले, वो इससे ऑन हो जाएंगे। अब आते हैं हम इस वाले स्विच की तरफ, इसमें थोड़े ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, लोग इसमें कन्फ्यूज जाते हैं। ये पहले मैं इस तरह से करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, इससे दिखाता हूँ आपको। आप इस तरह से करेंगे तो आप देख सकते हैं वाइपर विद प्रेशर ऑन हो जाते हैं इससे। ये देखिए मैं इसको एक बार प्रेस करूँगा, ठीक है। और अगर आपको वाइपर परमानेंट ऑन करने हैं तो आप इस तरह से करेंगे तो आप देख सकते हैं पीछे का वाइपर जो हमारा वो ऑन हो जाएगा। इसी तरह इसके और फीचर्स देख लेते हैं। आप इसको एक बार नीचे करेंगे तो आपका वाइपर धीमी स्पीड में चलेगा, और नीचे करूंगा थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, और बिल्कुल नीचे करके फुल स्पीड में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको वाइपर कभी भी बिना पानी के यूज़ नहीं करने हैं। मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए बिना पानी के या बिना बारिश के ऑन कर दिया, इससे आपके ब्लेड ख़राब होने के चांसेस होते हैं और जो मिरर है उस पर स्क्रैचेस पड़ जाती है। देखिए पूरी धूल मिट्टी थी, मेरे ग्लास पे आके चिपक गई है, तो इसको मुझे किसी सॉफ्ट कपड़े से साफ करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है आपको, बिना पानी के इसके यूज़ नहीं करना है कभी भी। तो गाइज इस वीडियो में इतने ही, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।